हेलो गाइस, जय जगन्नाथ। वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही स्पेशल सा वीडियो लेके आई हूँ एंड दिस वीडियो इज़ वेरी क्लोज टू माय हार्ट। जैसे कि आप लोगों को पता है कि मेरी डिलीवरी हो गई है एंड वी आर ब्लेस्ड विद अ क्यूट सा नन्हा सा प्यारा सा बेबी बॉय। बट मैंने जो है मेरी मैटरनिटी फोटोशूट की पिक्चर्स अभी तक आप लोगों के साथ शेयर नहीं करी है। आई एम सो सॉरी फॉर दैट। एक्चुअली कुछ टेक्निकल इशूज़ के वजह से अपलोड करना पॉसिबल नहीं हो पाया था, पर फाइनली आज इस वीडियो में मैं सारे पिक्चर्स आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ एंड बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन भी देने वाली हूँ शूट के रिगार्डिंग। एक्चुअली मैंने मेरी जो मैटरनिटी फ़ोटोशूट है खुद प्लान की थी। सो इस वीडियो में हम बात करें कि मैंने कैसे फ़ोटोग्राफ़र कहाँ से हायर की, ड्रेसेस कहाँ से लिया था, बजट, मेकअप, सारा कुछ एंड फ़ोटोज़ के साथ साथ आपको बहुत सारे मैटरनिटी फ़ोटोशूट के आइडियाज़ एंड पोजेस भी देखने को मिलेगा। सो और ज़्यादा लेट नहीं करते, चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो पहले समझ लेते हैं कि मैटरनिटी फ़ोटोशूट होती क्या है। सो बेसिकली ये जो शूट है प्रेगनेंसी में ही की जाती है, बेसिकली थर्ड ट्राइमेस्टर में जब बेबी बम्प अच्छे से शो हो रहा हो। एंड ये इसलिए किया जाता है ताकि प्रेगनेंसी का जो ब्यूटीफुल जर्नी है आप उसको पिक्चर्स में कैप्चर कर सको। एंड अगर कोई मुझे पूछे कि क्या ये वर्थ है, मतलब ये फ़ोटोशूट करवाना चाहिए या नहीं, क्योंकि इस फ़ोटोशूट में आपको बहुत सारा मनी या फिर टाइम स्पेंड करना पड़ सकता है, तो मेरा आंसर होगा जी हाँ, आपको ये शूट ज़रूर करवाना चाहिए। एंड ये सब जो पिक्चर्स है ना, बहुत ही एक मेमोरेबल इवेंट बन के रह जाता है, गोल्डन मेमोरीज बन के रह जाता है। आप जब बाद में इस पिक्चर्स को देखोगे आपको वो सारी चीज़ें याद आ जाती है, प्रेगनेंसी का वो जर्नी आँखों के सामने आ जाता है एंड बहुत ही एक ब्यूटीफुल सा फीलिंग है। ज़रूर आपको ये फ़ोटोशूट करवानी चाहिए। एंड ज़रूरी नहीं कि आप ढेर सारा पैसा या मतलब बहुत ज़्यादा खर्चा करके ये सभी करवा सकते हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप बहुत ही मिनिमम खर्चे में भी ये फ़ोटोशूट करवा सकती हो एंड कैसे, ये हम आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को एंड तक देखते रहिए। सो ये शूट हमें कब करवानी चाहिए? सो ये मैटरनिटी फ़ोटोशूट है तो प्रॉपरली बेबी बम जो है तो इसमें शो होना चाहिए। आइडियली 8th या 9th मंथ में ये शूट किया जाता है। मैंने जो है 9th मंथ में मेरी फ़ोटोशूट करवाई थी क्योंकि मेरा जो टमी है बहुत छोटा सा था, तो पिक्चर्स और थोड़ा अच्छा आएगा, टमी और थोड़ा ग्रो करेगा, इसलिए मैंने 9th मंथ तक वेट की। पर मैं सजेस्ट करूँगी आप 8th मंथ में ही ये शूट करवा लो, क्योंकि 32 वीक्स के बाद क्या होता है ना, पेन आने के चांसेस बढ़ जाते हैं एंड डिलीवरी कभी भी हो सकती है। आप अगर 9th मंथ तक वेट कर रहे हो, ऐसा भी हो सकता है कि डिलीवरी उससे पहले हो जाए, तो आइडियली 8th मंथ बेस्ट होता है मैटरनिटी फ़ोटोशूट के लिए। सो ये जो फ़ोटोशूट है बेसिकली 2 टाइप्स के हैं, इंडोर शूट एंड आउटडोर शूट। इंडोर शूट अगेन आप बोल सकते हो कि 2 तरह के हैं, जो कि आप अपने घर पर करवा सकते हो या फिर कोई स्टूडियो में जाके करवा सकते हो। ऐसे बहुत सारे फ़ोटो स्टूडियोज़ हैं जो कि ये सारे एमिनिटीज़ प्रोवाइड करते हैं फ़ोटोशूट के लिए, जैसे कि ड्रेसेस हो गया, फोटोग्राफ़र हो गया, मेकअप हो गया, सारा कुछ। तो बेसिकली आपको कुछ नहीं अरेंज करना है, आपको बस वहाँ जाना है एंड फ़ोटोज़ क्लिक करवानी है। एंड ये जो शूट है स्टूडियो शूट, ये थोड़ा महंगा आता है एज़ कम्पेयर टू आप अगर खुद से सब कुछ अरेंज करते हो, घर पर शूट करवाते हो या फिर आउटडोर में करवाते हो, क्योंकि क्या होता है ना, उन लोगों का भी चार्जेस रहता है एक्स्ट्रा ये सब कुछ अरेंज करने के लिए। एंड आउटडोर शूट में क्या होता है, आप खुद से हो या फिर कोई एजेंसीज होते हैं जिनसे आप ये सब चीज़ें अरेंज करवा सकते हो, तो ये सब अरेंज करके फ़ोटोग्राफ़र ड्रेसेस आप आउटडोर में कहीं ब्यूटीफुल प्लेसेस में जा सकते हो शूट के लिए, या फिर कहीं पर अगर ब्यूटीफुल बैकग्राउंड है वहाँ पर जाके करवा सकते हो। सो मेरी जो फ़ोटोशूट थी वो आउटडोर शूट ही थी एंड ये मैंने खुद प्लान किया था, सारा कुछ मैंने खुद अरेंज किया था। सो अराउंड 5th मंथ ऑफ माई प्रेगनेंसी मैंने स्टार्ट कर दिया था सर्च करना मेरे आसपास जो फोटोग्राफर्स हैं मेरे सिटी में जो रहते हैं, एंड इंस्टाग्राम में मैंने बहुत सारे फ़ोटोग्राफ़र्स के प्रोफाइल चेक किए, उनका काम देखा। बट किसी किसी का क्या होता है, काम पसंद नहीं आता है या फिर प्राइसेस बहुत हाई रहता है, तो कुछ बेसिकली फिक्स नहीं हो पा रहा था उस टाइम पे। एंड ऐसे एक दिन हम बात कर रहे थे जीवन एंड मैं, एंड ही टोल्ड मी दैट उनका एक एक्स कलीग है जो कि फ़ोटोशूट करते हैं, फ़ोटोग्राफी करते हैं, एंड उनके कुछ क्लिक्ड पिक्चर्स भी उन्होंने मुझे दिखाया था। एंड मुझे बेसिकली उनका काम बहुत अच्छा लगा, पिक्चर्स बहुत ही अच्छे थे एंड प्राइसेस भी बहुत रिजनेबल थे। सो वी थॉट टू अप्रोच हिम, एंड जैसे ही हमने उनसे बात किया, बहुत ही अच्छे हैं वो भैया, तो उसी टाइम ही हम लोगों का फिक्स हो गया कि हम उनसे ही करवाएंगे फ़ोटोशूट।
सो उनका जो है डिटेल्स जो होगा मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी। आप अगर कोलकाता से हो या फिर आसपास के सिटी से हो, आप उन्हें अप्रोच कर सकते हो फ़ोटोशूट के लिए। बहुत ही स्किल्ड एंड प्रोफेशनल फोटोग्राफर हैं। सो नेक्स्ट मुझे लोकेशन चूज़ करना था फ़ोटोशूट के लिए, एंड कोलकाता में रहती हूँ, सो कोलकाता में फ़ोटोशूट लोकेशन की कमी नहीं है। बहुत सारे ऐसे ब्यूटीफुल प्लेसेस मिल जाएंगे फ़ोटोशूट के लिए। सो हमने जो है फर्स्ट लोकेशन चूज़ किया था विक्टोरिया मेमोरियल, एंड वो जगह जो है आप तो देखे ही होंगे पिक्चर्स में, बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है। वहाँ पे जो सराउंडिंग है, पार्क वगैरह है, बहुत ही सुंदर है। तो फर्स्ट वाला लोकेशन तो हम लोग का फिक्स हो गया था। सेकेंड लोकेशन के लिए मैंने डिसाइड किया था इको पार्क, जो कि मेरे घर के पास भी है एंड लोकेशन बहुत ही अच्छा है। पर बाद में हमको पता चला कि वहाँ पे फ़ोटोशूट के लिए चार्जेस लगते हैं एंड ये थोड़ा हाई भी था, तो हमने ये सोचा कि ये प्राइस में अगर हम फ़ोटोशूट का चार्जेस ही पे करेंगे वो मुझे वर्थ नहीं लगा। एंड वो वाला लोकेशन जो है इको पार्क का, वो हमने कैंसिल किया। एंड हम ढूंढ ही रहे थे कि सेकेंड वाला लोकेशन कहाँ पे चूज़ करेंगे, मतलब कौन सा लोकेशन हम चूज़ करेंगे। उसी टाइम जो फ़ोटोग्राफ़र भैया थे उन्होंने सजेस्ट किया कि हम उनका जो अपार्टमेंट है, फ्लैट है, वहाँ पे जाके इंडोर शूट कुछ करवाए। वहाँ पे उनका लाइटिंग का सेटअप भी था एंड कुछ फ़ोटोज़ जो उनके जो सोसाइटी है उसके स्काई वॉक पर भी ले। वो जो स्काई वॉक का जगह था ना, बहुत ही ब्यूटीफुल था। आप फ़ोटोज़ में या वीडियोज़ में देखेंगे, बहुत ही लोकेशन मुझे पसंद आया था, तो हमने ये दो लोकेशन चूज़ किया। एंड मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी, आप आउटडोर शूट अगर प्लान कर रहे हो, दो से ज़्यादा लोकेशन चूज़ मत करना, क्योंकि क्या होता है ना, प्रेगनेंसी के थर्ड ट्राइमेस्टर में वैसे भी आपको टायर्ड बहुत ज़्यादा लगता है। अगर आप दो से ज़्यादा लोकेशन चूज़ करते हो तो ड्रेसेस चेंज करना, लोकेशन चेंज करना, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम तो जाएगा ही जाएगा, आपको बहुत ज़्यादा हेक्टिक भी लग सकता है एंड टू बी मॉम्स के लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट भी हो सकता है। तो आप दो ही लोकेशन चूज़ कीजिए। इसके बाद मुझे चूज़ करना था मटर्निटी फ़ोटोशूट के लिए आउटफिट। तो मेरा बहुत ही मन था कि ये जो फ़ोटोशूट है मैं दो आउटफिट में करवाऊँ, एक इंडियन वेयर में एंड एक वेस्टर्न वेयर में। मतलब गाउन भी चाहिए था एंड साड़ी भी चाहिए था। साड़ी एक एक्चुअली मेरे पास था, तो वो फर्स्ट वाला जो आउटफिट है दैट वॉज फिक्स। एंड सेकेंड गाउन के लिए मुझे कुछ वाइब्रेंट कलर के कुछ हेवी गाउन्स चाहिए थे। सो मैंने एक्चुअली ये पहले सोचा था कि मैं ये बाय कर लूँ। सो आई स्टार्टेड सर्चिंग कि कौन कौन से साइट हैं जो ऐसे गाउन सेल करते हैं। आपको इंस्टा में बहुत सारे ऐसे साइट्स, बिजनेस प्रोफाइल्स मिल जाएंगे जो मटर्निटी एंड प्री वेडिंग शूट के लिए गाउन सेल करते हैं, पर उनका जो रेट है काफ़ी हाई था एंड मुझे वर्थ नहीं लगा। एंड ऐसे जो हैवी गाउन्स होते हैं आप तो बार बार यूज़ नहीं करोगे, एक दो बार यूज़ करने के लिए 8 से 10 हज़ार स्पेंड करना उसके ऊपर मुझे वर्थ नहीं लगा। सो आई थॉट क्यों ना मैं ये जो गाउन है रेंट कर लूँ। सो आई स्टार्टेड सर्चिंग अगेन, देन मुझे इंस्टाग्राम पे ऐसी एक बिजनेस प्रोफाइल भी मिल गई जहाँ से मैं ये सब गाउन्स रेंट आउट कर सकती हूँ। एंड उस अकाउंट का नाम है फैशन ऑरा गाउन रेंट। यहाँ से आपको बहुत सारे गाउन के ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे कि हेवी फ्लोई गाउन हो या फिर बॉडीकॉन गाउन हो, टेल्ड गाउन हो, सारा कुछ मिल जाता है एंड बहुत सारे कलर ऑप्शन भी अवेलेबल है। तो आप अपने चॉइस के हिसाब से वहाँ से गाउन्स रेंट कर सकते हो। एंड उनके जो ड्रेसेस के क्वालिटीज़ है बहुत अच्छे थे एंड मुझे जो है मेरी ड्रेस शूट के 3-4 दिन पहले ही मिल गई थी एंड बिफोर टाइम ही वो डिलीवरी दे देते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। एंड मुझे और एक बात सबसे अच्छी लगी, उसकी जो ओनर है प्रेरणा, वो बहुत अच्छी आज ए पर्सन मुझे बहुत अच्छी लगी। एंड ओवर द फोन हो या फिर व्हाट्सएप, वो पूरा स्पेसिफिकेशन रिक्वायरमेंट्स आपका वो समझती है, अपने तरफ से भी सजेशन देती है कि आपको ऐसे वाला गाउन लेना चाहिए। एंड उनके जो ड्रेसेस के प्राइस रेंज है काफ़ी अफोर्डेबल है, सब कोई ले सकते हैं। वन टाइम यूज़ के लिए उनका जो रेंज है प्राइसेस का बहुत सही है, रिजनेबल प्राइस है। एंड उनका जो ड्रेसेस रहता है वो बेसिकली कस्टमाइजेबल भी रहता है। आप अगर अपने मेजरमेंट के हिसाब से कस्टमाइज़ करना चाहते हो, अल्टर करना चाहते हो, तो वो भी करवा सकते हो। कस्टमाइजेशन मतलब साइजेस में अगर आप कस्टमाइज़ करवाना चाहते हो वैसे आप कर
करवा सकते हो उनसे बात करके। एंड उनका जो डिटेल है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी। आपको अगर ऐसे गाउन्स चाहिए तो आप जाके उनका पेज चेकआउट कर सकते हो। सो नेक्स्ट था मेकअप। एंड क्योंकि मेरा फ़ोटोशूट जो है आउटडोर शूट था, सो मुझे बहुत जल्दी घर से निकलना था अराउंड 6 in the morning, क्योंकि और लेट करते तो दोपहर को शूट करना दिक्कत होता, लाइटिंग कंडीशन इतना अच्छा नहीं आता या फिर धूप के वजह से इतना टाइम फ़ोटोशूट करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता। सो बहुत मॉर्निंग में ही रखे थे फ़ोटोशूट, इसके वजह से इतने मॉर्निंग में कोई मेकअप आर्टिस्ट को बुक करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाया। सो मेकअप जो है मैंने खुद किया था घर पर जाने से पहले। एंड आप अगर स्टूडियो शूट के लिए जा रहे हो या फिर आपका जो शूट है इतना अर्ली मॉर्निंग नहीं है तो आप किसी मेकअप आर्टिस्ट को भी बुक कर सकते हो या फिर आप खुद से भी कर सकते हो मेकअप। एंड एक्सेसरीज जो था ये दो आउटफिट के लिए, ये मैं एक मेरी फ्रेंड है दिव्या करके, उनसे बोरो की थी। आप ऐसी जो आउटफिट के लिए एक्सेसरीज है बोरो भी कर सकते हो किसी से या फिर कहीं से परचेज भी कर सकते हो। ऐसे एक्सेसरीज आजकल मार्केट में बहुत ईजीली अवेलेबल भी हैं। नेक्स्ट बात करते हैं पोजेस एंड प्रॉप्स के बारे में। सो मटर्निटी फ़ोटोशूट का पोज के लिए बेस्ट प्लेस है पिंटरेस्ट। आप अगर मटर्निटी फ़ोटोशूट सर्च करोगे पिंटरेस्ट में, बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही यूनिक पोजेस आपको वहाँ से मिल जाते हैं, आइडियाज़ मिल जाते हैं। या फिर आप मेरे इंस्टाग्राम पे भी जाके चेक कर सकते हो, मैंने जो सारे पिक्चर्स है शूट के वहाँ पे अपलोड किया हुआ है। डेफिनेटली आपको पसंद आएगा एंड आपको बहुत सारे आइडियाज़ भी वहाँ से मिल जाएगा। एंड प्रॉप्स के लिए आप अमेज़ॉन हो, फ्लिपकार्ट हो, वहाँ से काफ़ी टैग्स मिल जाते हैं, वो खरीद सकते हो। ऐसे टू बी मॉम, टू बी डैड या फिर इट्स ए बॉय, इट्स ए गर्ल, ऐसे वाले टैग्स मिल जाते हैं। आप उसको बेबी शावर में भी यूज़ कर सकते हो एंड फ़ोटोशूट के टाइम भी ये काम आ जाता है। आप उसके साथ किड्स का एक पेयर शू भी रख सकते हो, कलरफुल ड्रेसेस भी रख सकते हो, टियारास, ग्लिटर्स, बलून्स एंड स्लेट में कुछ लिख के भी आप उसको डिस्प्ले कर सकते हो या फिर पेपर में लिख के भी आप डिस्प्ले कर सकते हो एंड काफ़ी अच्छा होता है। एंड मैंने एक पोज था जो मैं भूल गई थी वहाँ पे, एक्चुअली वो बहुत मन था लेने का वैसा वाला फ़ोटो पर पॉसिबल नहीं हो पाया क्योंकि मेरा जो USG का रिपोर्ट था वो मैं घर पे भूल के गई थी। तो आपका जो USG का रिपोर्ट रहेगा जहाँ पे बेबी का पिक्चर वो फुली शो हो रहा होगा, वो पिक्चर को भी एज ए प्रॉप आप यूज़ कर सकते हो। सो ये था डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन अबाउट मैंने कैसे मेरी जो मटर्निटी फ़ोटोशूट है ये प्लान किया था। सो होप कि आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहे। एंड इसके अलावा मैं और कुछ इन्फॉर्मेशन और कुछ एडवाइस भी देना चाहूँगी आपको शूट के रिगार्डिंग। आप अगर आउटडोर शूट प्लान कर रहे हो तो मेक श्योर आप मॉर्निंग में हो या फिर आफ्टरनून में हो ये शूट प्लान करें, क्योंकि इस टाइम क्या होता है ये जो गोल्डन सनलाइट की वजह से पिक्चर्स काफ़ी अच्छे आते हैं। मटर्निटी फ़ोटोशूट के टाइम आपको आपके साथ कुछ खाना भी रखना चाहिए, जैसे कि कट फ्रूट्स हो गया, ड्राई फ्रूट्स हो गया एंड पानी आपको ज़रूर अपने साथ रखना चाहिए आप अगर आउटडोर शूट हो या फिर इंडोर शूट हो प्लान कर रहे हो तो। एंड ऐसे कट फ्रूट्स हो या फिर पानी हो आप अगर सफिशिएंटली ले रहे हो तो शूट के टाइम आप फ्रेश भी रहोगे एंड एक्टिव भी। जरूरी नहीं कि आप ये सारे जो पिक्चर्स है किसी प्रोफेशनल फोटोग्राफर से ही क्लिक करवाओ, आप ऐसे पिक्चर्स अपने घर पे भी क्लिक करवा सकते हो। आपके पास अगर अच्छा वाला कैमरा है, अगर नहीं है तो आप फ़ोन से भी ले सकते हो ऐसे फ़ोटोज़। एंड पोजेस के लिए आप पिंटरेस्ट हो, गूगल हो, वहाँ से काफ़ी सारे पोजेस चेक कर सकते हो एंड बिना खर्चे में भी आप ऐसे फोटोशूट अपने घर पे भी करवा सकते हो। एंड ट्राई टू बी जेन्युइन, बिकॉज आप जब जेन्युइनली हैप्पी होते हो, आपका ये जो प्रेगनेंसी का जर्नी है इसको आप जेन्युइनली एंजॉय करते हो तो वो सारे पिक्स वैसे भी अच्छे आएंगे। लाइटिंग का कंडीशन, प्रॉप्स, ड्रेसेस कुछ मैटर नहीं करता। सो आप जो रियल खुशी है, रियल हैप्पीनेस है, उसको ट्राई करो शो करने के लिए पिक्चर्स में। सो ये तो था कुछ टिप्स, तो चलो अब देख लेते हैं वो सारे पिक्चर्स जो मैंने मेरी मटर्निटी फ़ोटोशूट के टाइम लिया था।
सो ये था आज का वीडियो। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए एंड कमेंट करके बताएं कि आपको कौन सा वाला पोज या फिर कौन सा वाला फ़ोटो सबसे अच्छा लगा। एंड आप अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा एंड पास में जो बेल आइकॉन है उसको भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि जब भी मैं कोई ऐसी वीडियोस अपलोड करूँ मेरे चैनल पे उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट कोई वीडियो में या फिर व्लॉग में। टिल देन यू टेक केयर एंड बाय बाय।